खेल लिया पॉकेट बहुत। चल मम्मी घर पे वेट कर रही होगी। पॉकेट, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हैप्पी दिवाली टू यू। तू है ना मेरा हीरो पॉकेट। आगे बेटा। हाँ मम्मी। आ जाओ। चलो पॉकेट। हेलो ज्योति, कैसी है? ठीक हूँ सीमा दीदी। केशा दिवाली वेकेशन पे अपने घर आ रही है। केशा आ रही है? हाँ। और तुम? नहीं इस बार हम नहीं आ रहे हैं, सिर्फ केशा आ रही है और वो काफी एक्साइटेड है आप लोगों से मिलने के। अरे वाह, हमने उसकी टिकट बुक करवा दी है। मैं उसकी डिटेल थोड़ी देर में आपको सेंड करती हूँ। ओके ठीक है, चलो बाय। बाय। पॉकेट स्माइल। अरे वाह आशु बेटा। हाँ मम्मी। पता है दिवाली पे कौन घर आ रहा है? कौन? केशा आ रही है। केशा? केशा आ रही है दिवाली वेकेशन में? हाँ। कब आ रही है वो मम्मी? अगले हफ्ते। अच्छा बेटा, उसके आने में तो अभी टाइम है, लेकिन हमने दिवाली की कुछ भी तैयारी नहीं की है। सफाई, शॉपिंग, सब कुछ तो बाकी है। हाँ मम्मी। तो उसके आने से पहले ना सफाई, शॉपिंग सब कर लेते। हाँ मम्मी। चलो बेटा तैयारी शुरू करते। ठीक है मम्मी, चलो। चलो ए पॉकेट, घूमने का इरादा है क्या? चलो बेटा दिवाली की सफाई कर लेते हैं। ठीक है मम्मी। आशु बेटा। हाँ मम्मी। चलो दिवाली की शॉपिंग करने चलते हैं। ठीक है मम्मी, चलो। पॉकेट, हम बस यूं आए, ज्यादा मस्ती मत करना। हाँ चलो मम्मी। चलो हाय पॉकेट। आ गया बेटा। हाँ मम्मी।
आज केशा आ रही है। केशा आ रही है? कितना मजा आता है ना उसके साथ जब भी आती है वो। हाँ बेटा, और मुझे ना बहुत काम है आज। केशा के लिए शाही पनीर, बिरयानी और खीर जो बनानी है। मम्मी मेरे लिए तो कभी नहीं बनाते, देख पॉकेट। केशा इतनी स्पेशल जो है। चलो तुम जल्दी से चेंज कर लो, खाना खाते हैं। ठीक है चलो। हाय मौसी जी। नमस्ते बोलो बेटा। नमस्ते मौसी जी। हाय आशु भैया। हाय केशा, कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आओ बेटा। अरे केशा। अरे केशा बेटा। मौसी जी आप बहुत गंदे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे बेटा क्या हुआ? मौसी जी आपके घर में डॉग है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बेटा ये कुछ नहीं करता, ये बहुत फ्रेंडली है। नहीं मौसी जी, मेरी फ्रेंड के पास भी कैसा ही डॉगी था, उसने उसे काट लिया था, उसे 14 इंजेक्शन लगे थे, वो भी पेट में। अरे केशा तुझे डरने की जरूरत नहीं है, हमारा पॉकेट बहुत फ्रेंडली है तो ये कुछ नहीं करेगा, तू डर मत। नहीं भैया मुझे डॉग्स अच्छे नहीं लगते। अच्छा बेटा ठीक है आशु बेटा तू इसे लेके जा। यहाँ से लेके जाओ, इसे मुझे नहीं पता। हाँ, बेटा इसे ले जा। ठीक है मम्मी। ले जा बेटा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। क्या हुआ केशा? भैया आपको अपने पॉकेट पे बहुत भरोसा है ना, देखो उसने मुझे अपने पंजे मार दिए। मम्मी एक काम करते हैं, इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। हाँ बेटा। इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा ना। हाँ। नहीं भैया आपने कहा था ना उसे ऑलरेडी इंजेक्शन लगा हुआ है, मैं मैनेज कर लूंगी। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। मौसी मौसी चल रही है, मौसी चल रही है। क्या हुआ बेटा? देखो इसने वापस से मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। देखो मौसी ये मुझ पर अटैक कर देगा। मौसी अरे बेटा कुछ नहीं करेगा, डरो मत।
क्या हुआ बेटा? देखो पॉकेट ने मेरी चेन तोड़ दी। ये मम्मी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी। लेकिन पॉकेट तो ऐसा कर ही नहीं सकता। इसका मतलब आपको मुझ पे भरोसा नहीं है भाई? आप तो मम्मी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। रो मत बेटा, हम दिवाली शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो तुम्हारी चेन ठीक करा लेंगे। चलो अभी चलते हैं। चलो बेटा, अपना आईफोन और चेन बैग में संभाल के रखना। ठीक है मौसी। बेटा पापा का फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट बात कर लेती हूँ, तुम लोग यहीं पे रुको। नहीं मौसी, मुझे इस पॉकेट के साथ नहीं रुकना, मैं आगे जा रही हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, हाँ जी, हम दिवाली शॉपिंग के लिए जा रहे हैं केशा को लेके। पॉकेट, केशा, केशा उठो बेटा, उठो केशा बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चलो चलो बेटा चलो। सॉरी मौसी, सॉरी आशु भैया, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने जानबूझ के किया था। पॉकेट ने तो मुझे अपना पंजा भी नहीं मारा था और ना ही मेरी चेन तोड़ी थी, वो सब मैंने जानबूझ के किया था। लेकिन क्यों केशा? क्योंकि जब मैं पहले यहाँ पे वेकेशंस के लिए आती थी तो आप मेरे साथ कितना खेलते थे और मौसी मेरा कितना ध्यान रखती थी, लेकिन जब से पॉकेट आया है ना तो आप मेरे साथ खेलते हो और ना ही मौसी मेरा ध्यान रखती है। ऐसी कोई बात नहीं है केशा, हम तुझ पे पूरा ध्यान दे रहे थे, शायद तेरी पॉकेट के प्रति नफरत के कारण तू वो देख ही नहीं पाई। बेटा जितनी देखभाल की जरूरत इंसान को होती है उतनी ही जरूरत पेट्स को भी होती है, और हम तुझे बहुत प्यार करते हैं बेटा। और केशा, जितना प्यार तू पॉकेट को देती ना उससे कई गुना ज्यादा प्यार वो तुझको देता, और तूने देखा ना आज वो अपनी जान पर खेलकर तेरी मदद करने के लिए कैसे भागा। थैंक यू पॉकेट, यू आर माय हीरो पॉकेट। क्या हुआ केशा? कुछ नहीं भैया। केशा बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ, चलो पूजा का समय हो गया है, पूजा करते हैं। चलो ठीक है मौसी। मम्मी पॉकेट का है? हाँ बेटा, पॉकेट तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पॉकेट,
पॉकेट। पॉकेट 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 पॉकेट। मम्मी केशा, बेटा क्या हुआ? पॉकेट 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 बाहर आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ पॉकेट बेटा, बाहर आ जाओ बेटा, बेटा आ जाओ पॉकेट, बाहर आ जाओ पॉकेट, बाहर आओ बाहर आ जाओ पॉकेट बेटा, बाहर आ जाओ पॉकेट पॉकेट, बाहर आ जा, आ जाओ बेटा, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। हमारे पेट्स हमारी जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। दिवाली रोशनी और खुशियों का त्यौहार है, लेकिन यही त्यौहार हमारे पेट्स के लिए एक मुसीबत बन जाता है सिर्फ पटाखों के शोर की वजह से। इस शोर के कारण ये बेजुबान बहुत डर जाते हैं और अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं सकते। ये दिवाली पेट्स फ्रेंडली दिवाली मनाएं, अपनी खुशियों में अपने पेट्स को भी शामिल करें, अपने पेट्स को ढेर सारा प्यार दें, उनका ख्याल रखें, उनको अपना समय दें और उनका साथ कभी ना छोड़ें। I love you, my pocket. Hi guys, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारा हीरो पॉकेट आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमें और कौन से न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें टू मोहक मीट।